वर्तमान समय में वाहनों की बढ़ती संख्या वे औद्योगिकरण के चलते फ्रैक्चर में बढ़ोतरी हुई है। घुटने के लिगामेंट्स और हड्डियों का फ्रैक्चर दोस्तों आजकल आम है। हड्डी के फ्रैक्चर और लिगामेंट की चोट के लिए जरूरत के मुताबिक ऑपरेशन या प्लास्टर से इलाज किया जाता है, जिसकी वजह से ऑपरेशन के बाद घुटने का जोड़ अकड़ जाता है। इसी अकड़न को दूर करने के लिए दोस्तों आपको फिजियोथेरेपिस्ट की देखरेख में इलाज करवाना होता है। फिजियोथेरेपिस्ट बहुत सी एक्सरसाइज और तकनीकों का उपयोग कर आपके घुटने को मोड़ता है और उसे पहले जैसा सही और गतिशील करता है। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर राजकुमार बारोड़िया। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे घुटने की अकड़न को खत्म करने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली तकनीक CPM के बारे में। दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें, क्योंकि मैं आगे भी ऐसे कई वीडियो लेके आऊंगा जिनसे आप अपनी बीमारी को समझ सकेंगे और उसका इलाज भी अच्छे से करवा सकेंगे। दोस्तों अगर आपका या आपके किसी परिचित का घुटना भी फ्रैक्चर हुआ है, उसका ऑपरेशन हुआ है या उसके बाद प्लास्टर हुआ है तो उसमें अकड़न जरूर आई होगी। दोस्तों वीडियो पूरा देखें, आपकी जानकारी आपके परिवार व रिश्तेदारों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगी। दोस्तों इलाज हमेशा प्रशिक्षित डॉक्टर से ही करवाएं, क्योंकि अप्रशिक्षित या झोला छाप से इलाज करवाने पर आपका ऑपरेशन बिगड़ सकता है और आपकी हड्डी और ज्यादा टूट सकती है। दोस्तों CPM का पूरा नाम कंटिन्यूस पेशिव मोशन मशीन है। CPM मशीन का उपयोग फिजियोथेरेपी चिकित्सा में फ्रैक्चर के बाद आई अकड़न को खत्म करने के लिए बड़े स्तर पर किया जाता है। घुटने के फ्रैक्चर के बाद की अकड़न को दूर करने के लिए CPM मशीन किसी वरदान से कम नहीं है। दोस्तों इस मशीन की खासियत यह है कि किसी मरीज के घुटने के जॉइंट को कितने डिग्री तक मोड़ना है या सीधा करना है, इस मशीन में आवश्यकता अनुसार उतने डिग्री का एंगल फिक्स कर दिया जाता है, ताकि CPM मशीन उतने डिग्री एंगल तक आपके घुटने को मोड़ती है और सीधा करती है। इस मशीन का उपयोग घुटनों के फ्रैक्चर के बाद आई अकड़न, नी रिप्लेसमेंट के बाद आई अकड़न और लिगामेंट के ऑपरेशन के बाद आई अकड़न में खास तौर पर किया जाता है। घुटने की सर्जरी के बाद घुटने का मूवमेंट का सही होना दोस्तों बहुत ही मुश्किल होता है और फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर को एक्सरसाइज में बहुत सारी सावधानियां भी बरतनी पड़ती है दोस्तों, उनके फ्रैक्चर के हिसाब से या ऑपरेशन को देखते हुए, क्योंकि अगर घुटने और ऑपरेशन के अनुसार सावधानी नहीं बरतने से दोस्तों मरीज की स्थिति बिगड़ सकती है, यानी उसका ऑपरेशन खराब भी हो सकता है। दोस्तों अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ CPM मशीन से इलाज करवाने से क्या फायदे हैं। CPM मशीन से इलाज कराने पर घुटने को सही एंगल पर और सही डिग्री पर आवश्यकता अनुसार दोस्तों मोड़ा जा सकता है। ऑपरेशन के बाद डीप वेन थ्रोम्बोसिस होने का खतरा भी दोस्तों कम हो जाता है। CPM मशीन का उपयोग रोगी के लिए बहुत ही आरामदायक होता है और उसे आवश्यकता अनुसार उसमें डिग्री सेट करने से दर्द कम होता है और आराम से घुटना मुड़ जाता है और दोस्तों सीधा भी हो जाता है। दोस्तों इलाज हमेशा फिजियोथेरेपिस्ट प्रशिक्षित से ही करवाना चाहिए, ताकि आपकी आवश्यकता के अनुसार वह आपको एक्सरसाइज करवा सके और दूसरी तकनीकों की मदद से आपको पूर्णतया सही कर सके, आपके घुटने का मूवमेंट पूरी तरीके से सही कर सके। दोस्तों यह थी जानकारी CPM मशीन के बारे में, जिसका उपयोग हड्डी के फ्रैक्चर या चोट, घुटने के ऑपरेशन के बाद आई अकड़न को दूर करने के लिए किया जाता है। दोस्तों अगर आप भी घुटने के फ्रैक्चर या लिगामेंट की चोट से गुजरे हैं और आपका घुटना भी सही से नहीं मुड़ता है और पैर कमजोर हैं और आप सही ढंग से नहीं चल पा रहे हैं, यानी कि लड़खड़ाकर चलते हैं, तो दोस्तों CPM मशीन के साथ कुछ जरूरी एक्सरसाइज है जिनको आप करके अपने पैर की मांसपेशियों को मजबूत कर सकते हैं और दोस्तों अपने घुटने को अच्छी तरीके से मोड़ सकते हैं और दोस्तों आप अच्छे से चल पाएंगे। दोस्तों हमारी YouTube चैनल पर ऐसी ही एक एक्सरसाइज का वीडियो मौजूद है। दोस्तों आप देखकर घर पर भी एक्सरसाइज कर अपने घुटने को अच्छी तरीके से मोड़ सकते हैं।
और आप पूर्णतया स्वस्थ हो सकते हैं, अच्छे से चल सकते हैं। दोस्तों ये थी जानकारी सीपीएम मशीन के बारे में। दोस्तों अगर आपने अब तक हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को दोस्तों जरूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। आजकल की दौड़ भाग भरी जीवन शैली में लकवा, पार्किंसन और स्पाइनल चोट यानी कि रीढ़ की हड्डी के फ्रैक्चर जैसी बीमारियों किसी भी व्यक्ति के जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल कर रख देती है। शारीरिक श्रम की कमी, गलत तरीके से उठने बैठने और गलत खान पान की बदौलत घुटना दर्द, कंधा दर्द, कमर दर्द, गर्दन दर्द, साइटिका, स्लिप डिस्क, सर्वाइकल जैसे दर्द से हर एक व्यक्ति परेशान है। इसी प्रकार बच्चों में भी आजकल एक बीमारी ज़्यादा देखने को मिल रही है। बच्चे 15 माह या उससे अधिक उम्र के होने के बावजूद गर्दन नहीं संभाल पा रहे हैं, पैर टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं और चल फिर नहीं पा रहे हैं तो वह सर्बल पालसी से ग्रस्त है। इन सभी बीमारियों का इलाज बिना ऑपरेशन अत्याधुनिक चिकित्सा पद्धतियों से जैसे फिजियोथेरेपी, ड्राई नीडलिंग, कायरोप्रैक्टिक, एक्यूपंचर, ऑस्टियोपैथी, मैनुअल थेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी द्वारा अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरणों से बिना ऑपरेशन संभव है। अगर आप या आपका परिचित भी इन बीमारियों से ग्रस्त हैं और अगर किसी मरीज ने ऑपरेशन करा लिया है और फिर भी उनको लाभ नहीं हुआ है तो एक बार अवश्य अपनी जांचों के साथ तुरंत संपर्क करें डॉक्टर राजकुमार बारोड़िया, फिजियो न्यूरो विशेषज्ञ, लकवा हड्डी एवं जोड़ दर्द, स्थान ऑर्थो न्यूरो रिहैबिलिटेशन सेंटर, रोडेज बस डिपो के पीछे, डह रोड, नागौर, राजस्थान। संपर्क सूत्र 94-13-51-96-34।